सौरभ, सौरभ मेरी बात तो सुनो। Listen, I really think we should talk. चलो कहीं जाके आराम से बात करते हैं। I'm sure you'll feel better. Moon, I don't want to sound rude, but I want to be left alone. रौनक, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ, इसलिए तो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। इस वक्त किसी के साथ बात करने का मेरा मूड नहीं है। I'm going for a drive. Bye. रौनक, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं जाने दूंगी। I'm very worried. मुनमुन, तुम okay, fine. दोस्त इतने गुस्से में क्यों चले गए? कुछ नहीं बेटा, किसी काम से गए होंगे। हा? मुझे उतारो दांतों। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो उतर जाओ, अब चलते हैं अंदर। ओके, आओ। प्लीज मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने तुमसे नहीं कहा था मेरे साथ आने के लिए, तुम खुद ही चली आई। Now let me try. Oh God, oh my God, मैं क्यों आई? जिंदा बची तो ही इससे रिश्ता होगा, लेकिन ये तो मुझे ही मारने के मूड में लग रहा। मैं चाहती कि नीति और विनय की शादी तुम अक्षय को शामिल होने की मंजूरी दे। मुझे माफ कर दे। अक्षय, आज तेरी वजह से मेरी माँ हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गई। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। रौनक, प्लीज प्लीज धीरे चलाओ। रौनक, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम ठीक हो? गॉड, आंखें खोलो मुनमुन। ओह गॉड, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स। सीट बेल्ट सो सफोकेटिंग, प्लीज हेल्प। कितना डर गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। I'm sorry मुनमुन, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे पीछे मत आना, मेरा मूड खराब है। Just relax. ऐसे ड्राइव करने की क्या जरूरत थी, कुछ भी हो सकता था। किसी और की गलती के लिए खुद को क्यों पनिश कर रहे हो? आई नो कि अक्षय को माफ करना इट्स नॉट इजी फॉर यू। जानकी आंटी की बात लेकर तुम अपसेट हो, पर मुझे नहीं लगता कि जानकी आंटी की इसमें कोई भी गलती है। जरूर उस काजल ने मौके का फायदा उठाया होगा। उसने जरूर जानकी आंटी को ब्लैकमेल किया होगा कि अगर अक्षय शादी में शामिल नहीं होगा तो वो नीति और विनय की शादी नहीं होने देगी, और नीति तो प्रेग्नेंट है, इसीलिए बेचारी जानकी आंटी को उन सबके सामने झुकना पड़ा होगा। I'm so sorry, रौनक, बट ये काजल तो बहुत ही चीप निकली। उसे जो भी चाहिए वो हासिल कर ही लेती है। यहाँ पर तुम इतने ज़्यादा तकलीफ में हो, और वो तो वहाँ अपने पति के साथ एंजॉय कर रही होगी। देखो रौनक, मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, इसलिए सलाह दे रही हूँ, खुद को हर्ट मत करो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे सैड होने से काजल तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाएगी। सीट
मुझे सो इरिटेट है। इनफ मुनमुन, अक्षय ने भले ही मुझे धोखा दिया लेकिन इसका बदला मैं काजल से नहीं ले सकता। काजल मेरा पास्ट है और मैं उन दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगा। और मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। सो आइंदा प्लीज काजल जैसी शरीफ लड़की को बदनाम करने की कोशिश मत करना, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पीनू, आज सब लोग यहाँ रुकने वाले हैं, माँ ने सबको मना लिया। हाँ पता है मुझे, काजल दी का फोन आया था मेरे पास, बता रही थी। And I'm very happy कि अब जीजू भी हमारी शादी में शामिल होंगे। And see, हम दोनों की वजह से दोनों फैमिलीज के बीच की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। You're so lucky. हमारा बेबी लकी चाम है। I miss you so much. ओहो, आ जाऊँ क्या? अभी। विनय, please, have some patience. वही तो नहीं होता। अरे कोई तो मुझे मेरी वेडिंग डेट बता दो यार। काजल दीदी तो बताई नहीं, तुम बता दो प्लीज। बता देंगे मिस्टर विनय। अच्छा लिसन, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, हम कल बात करते हैं। लव यू, बाय। लव यू टू। अस्तबल में गधे क्यों हाँक लाई? बता ना जानकी, अपने महल जैसे घर में इन भिखारियों को रहने की जगह दे दी। जितना तेज मुंह चलता है तुम्हारा, अगर उतना ही तेज दिमाग चल रहा होता तो जितना तेज दिमाग चलता होता तो मैं तेरी जगह पे होती और तू मेरी चमची। मतलब है मेरी दोस्त होती। उस काजल की अखड़ इसलिए है क्योंकि वो वीडियो उसके पास है। अगर उसके पास वो वीडियो ही ना रहा तो मतलब अब समझी, तूने उन टीचरों को घर में इसलिए रखा है ताकि काजल के सोने के बाद तो उसके मोबाइल से वो हमारा वीडियो डिलीट कर सके। ऐसा प्लान तेरे ही दिमाग में आ सकता है। किले मिठाई, मुंह मीठा कर ले। मेरी जिंदगी में जो कड़वाहट उस काजल ने खोल दी है उसे हटाए बिना मैं कोई मिठाई नहीं खाऊंगी कामी। अब छोड़ना इस बात को, मुझे ये बता कि वो फोन हम निकालेंगे कैसे? चोरी? हाँ, जो तू करेगी। जानकी, ये मुझसे नहीं होगा। अब देखना, घबराहट के मारे मेरे हाथ पर फूल रहे। इसे घबराहट नहीं, मोटापा कहते हैं। तू मेरी जिगरी दोस्त है ना, क्या तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? तू भूल गई कामिनी, जब तेरे पति को बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत थी तो रातों रात मैंने 50 लाख रुपए दिए थे, वो भी बिना ब्याज के। अगर तू वो फोन मेरे लिए लेकर आई तो मैं वो सारा कर्जा माफ कर दूंगी। पूरे 50 लाख माफ कर देगी? अब बात कीमत की नहीं, उस काजल की नियत की है। अपने बेटे का भविष्य बचाने के लिए मैं कोई भी कीमत चुका सकती हूँ। तू बस मुझे वो वीडियो ला कर देखा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।